तो गाइज कैसे हो आप। हम लोग आ चुके अपने मोबाइल के स्क्रीन पे दोस्तों। तो सबसे पहले अपना डेटा को ऑन कर लेना है, उसके बाद कोई भी ब्राउज़र में हम लोग को जाना है। जैसे कि हर मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र रहता है, आप उसमें से कोई भी ब्राउज़र में का यूज कर सकते हो। जैसे कि हम क्रोम ब्राउज़र का यूज कर रहे हैं, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे हमको सर्च करना है ई कल्याण। तो ई कल्याण सर्च करते ही देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन दिया गया है। उसके बाद आप मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर सकते हो, एंड नेम के से भी लॉगिन कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने बहुत आदमी का लॉगिन किया हूँ, ऐसे में देख सकते हैं दोस्तों मोबाइल का भी प्रयोग कर सकते हो। यहाँ से अपना मोबाइल नंबर डाल देना, उस ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी भी डाल देना। तो गाइस देख सकते हैं हम फिर से चलते हैं स्टूडेंट लॉगिन पे। तो स्टूडेंट लॉगिन पे जाने के बाद देख सकते हो दोस्त, सबसे पहले स्टूडेंट लॉगिन पे चलते हैं। उसके बाद यहाँ से अब बंदे का नाम लिख देते हैं जिसका कि ये पेंडिंग में जा चुका है। तो देख सकते हैं गाइज अब यहाँ से हमको कैप्चा डालना होगा और ऊपर में पासवर्ड भी डाल दीजिएगा जो अपने आपने पासवर्ड डाले थे फॉर्म भरते समय। उसके बाद साइन इन पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करते हैं दोस्तों आपका खुल जाएगा दोस्तों। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लिख दिया अपडेट बैंक डिटेल्स। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे एप्लीकेशन स्टेटस में। उसके बाद देख सकते हैं एकेडमिक ईयर, तो 2020 से 2021 सबसे पहले चेक कर ले रहे हैं। तो इस बंदे ने इसमें कुछ नहीं भरा है। अब जिसमें 2018 से 2019 देखेंगे इसमें ये बंदा मतलब नहीं भरा है। अब चलते हैं 2018 से 2020। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे डी ऑफिसर ने पेंडिंग कर दिया है, डी ऑफिसर ने आपको पेंडिंग करवा दिया। उसके बाद रीजन योर बैंक अकाउंट नंबर नॉट सीडेड विथ योर आधार नंबर, जैसे कि आपका खाता जो है वेरीफाई नहीं आधार कार्ड से, तो उसको आप बैंक से वेरीफाई करवा सकते हो, अन्यथा आप अपने खाता को चेंज कर दीजिएगा। अगर दूसरा खाता है तो आप खुद दूसरा खाता दे सकते हैं। फादर्स, उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों इस तरह का जो है। उसके बाद हम लोग सबसे पहले बैंक मतलब बैंक आ जाते हैं। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे दिया है अपडेट बैंक डिटेल्स। जी हाँ दोस्तों यहाँ पे दिया अपडेट आधार नंबर लिंक विद बैंक अकाउंट नंबर 2019 से 2020। उसके बाद जैसे आप अपडेट बैंक पे चलोगे दोस्तों आपको इस वेबसाइट खुल जाएगा। उसके बाद ये खुलने के बाद देख सकते हैं दोस्तों अपना बैंक का स्टेट चुनना होगा, जैसे कि हम लोग का झारखंड है तो हम लोग झारखंड चूज कर लिए। उसके बाद फिर हमको जो कि पूछा जाएगा यहाँ पे बैंक डिस्ट्रिक्ट, तो हम लोग का गिरिडीह है। उसके बाद फिर मतलब ब्रांचेस पूछेगा कि बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांचेस कहाँ है, मतलब शाखा कहाँ है, और फिर बैंक का नाम पूछेगा तो बैंक ऑफ इंडिया दे देंगे क्योंकि मेरे पास बैंक ऑफ इंडिया का खाता है, आपका जो भी वो दे देना। उसके बाद फिर यहाँ पूछेगा बैंक ब्रांचेस, तो जैसे कि मेरा ब्रांच है बरमसिया तो वहाँ पर दे दीजिएगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर मांग रहा है, तो देख सकते दोस्तों हम सबसे पहले अपना देख ले रहे हैं कि कितना कितना अकाउंट नंबर है। उसके बाद फिर से डालने का स्टार्ट कर दे रहे हैं 5863182100। आपका जो भी अकाउंट नंबर रहेगा यहाँ पे आप अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा आसानी पूर्वक से, यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे अपना जो भी है कुछ है दोस्तों आप डाल दीजिएगा वहाँ पे। उसके बाद सबसे पहले एक बार और चेक करके देख सकते हैं दोस्तों कि बैंक स्टेट आपका हो गया झारखंड, बैंक डिस्ट्रिक्ट हो गया गिरिडीह, बैंक नेम हो गया बैंक ऑफ इंडिया, और बैंक ब्रांचेज का नाम हो गया बरमसिया मोर, और फिर बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे। तो दोस्तों इस तरह का आप अगर नहीं हुआ तो सब सेव डिटेल पे जाएंगे दोस्तों, आप वो सेव कर लीजिएगा। उसके बाद सिंपली देख सकते हैं दोस्तों यहाँ फिर से मिट गया। उसके बाद सबसे पहले बैंक चलते हैं हम लोग, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ऊपर में लिख दिया बैंक डिटेल्स यार अपडेट सक्सेसफुली। उसके बाद चलते हैं दोस्तों अपने स्टेटस पे दोस्तों एप्लीकेशन स्टेटस। उसके बाद डालते हैं 2019 से 2020। तो देख सकते हैं दोस्तों मेरा यहाँ पे अप्रूव्ड बाय डी ऑफिसर कर दिया है।
तो देख सकते हैं दोस्तों गाइज कि आप कितना आसान से आप कर सकते हैं, आप खुद के मोबाइल से कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लॉग आउट कर लेते हैं यहाँ से। लॉग आउट करने के बाद देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम अगर हमारे YouTube चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाल बटन को दबाकर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले YouTube खोलिएगा। YouTube खोलने के बाद यहाँ पे टेक्निकल सुपर सर्च कीजिएगा। उसके बाद देख सकते हैं गाइज मैं जो कि चैनल आ चुका है फर्स्ट बार में, और इसको लाल बटन को दबा दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा वीडियो का जो नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक बाय।